नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। बारी उत्तरी जिला के साबा डेयरी थाना अंतर्गत साबा डेयरी से आई दिल दहला देने वाली घटना सामने। साबा डेयरी शिवलोक में रहने वाली 20 वर्षीय गुंजन को उसी के परिजनों द्वारा दूसरी मंजिल से धकेला गया। नीचे गली में परिजनों द्वारा अपनी माँ और भाई को पीटने से बचाने के लिए गुंजन ने किया था बीच बचाव। देखिए हमारी ये खास। मेरा नाम बबीता है जी, मैं साबा डेयरी में रहती हूँ, मकान नंबर 37 है। जो मार कुटाई की गई है आपके परिवार के द्वारा, हाँ जी, वो कब की घटना है? सर ये घटना 19 तारीख की है। हम एक हफ्ते के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए अपने मायके आई हुई थी। तो माई आया कि तू वहाँ पर जाके बस गई है, तुझे दिखता नहीं है, तुझे ये चीज़। हम गाली देकर बोले, ये सुबह 6 बजे की घटना है, बारिश का मौसम हो रहा है, सोमवार का दिन था। तो मैंने इसको बोले, ये बोले कि मैं पापा मैं नहीं जा रहा हूँ, मारने लगे सर इतने मेरी बेटी के, पापा मत मारो, कह रहे तू ज़्यादा बोलती है, तू ज़्यादा, तेरे ज़्यादा पंख निकल गए हैं। तो उस टाइम आपके पति थे? उस टाइम और कोई सास ससुर और सर? हाँ सब थे। मेरे पति, पहले मेरे पति हमको मार रहे थे, हम दोनों को ही। फिर मैंने अपने बचाव, मेरी बेटी को पीटने लगे, मैं अपने बचाव के लिए मैं उनको धक्का मुक्की मार रही, उनको गुस्से मार रही थी। तो इतने देर में हमारे शोर शराबा सुन के तो इतना मार, मुझे बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ पड़ी, मेरी बेटी साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। जो मुझे होश आई, मुझे मेरी बेटी दिखाई, तो पता चला मेरी बेटी नीचे की कुंडी लगा दी कमरे की और मेरे फ़ोन फान सब छीन ले, ताकि मुझे जब होश आया मेरे को, मेरी बेटी, मेरा बेटा कहाँ है, इसको तो दुकान पर ले गए पीट पाट के। और मैंने कहा मेरा बेटी कहाँ, मैंने देखा बेटी देखा तो पता चला वो नीचे, मेरी बेटे का ये 12 साल का, मेरी बेटी 20 साल की है। और उस चक्कर में फिर मुझे नहीं पता मेरी बेटी साथ क्या हुआ, जो मुझे पता चला मेरी बेटी गिरी हुई मिली साबा डेयरी C30 में, प्राइमरी स्कूल के पास में। अच्छा। और मेरे ससुर का नाम रणजोर सिंह चौधरी है और मेरी सास का नाम रोशनी देवी है और मेरे देवर का नाम तरुण खेवाल है। मेरे हस्बैंड का नाम नगेंद्र करते हैं, तो वो बोल लेती है, वो सामने हक के लिए लड़ती है कि मेरी रोने लगे, मैं मेरी बेटी को हाथ जोड़ के, जो मेरे को होश आया और मुझे पता चला नीचे, मेरे माँ बाप ले गए, मेरे ले गए, मेरे भाई ले गए, क्योंकि इनको 3 बजे पता चला खबर को, किसी ने खबर दे दी कि हमारे फ़ोन नहीं मिल गए, दे रहे थे उस टाइम कर दे। लेकिन CRPF वाले आए, पुलिस वाले, हमें कुछ नहीं बातचीत, हम जब से 8 बजे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई, पुलिस वाले कुछ नहीं कार्रवाई करी। पुलिस वालों के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या उनको सर कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस वाले मुझे और दबाव डाल रहे कि तुमको ये बोलना है कि तुम आपस में माँ बेटी लड़ रही थी, पैर स्लिप हो गया है, वो गिर गई। मैं ऐसे कैसे बोले, पुलिस वाले कह रहे बहन तुझे घर बसाना, तेरी 3-3 लड़कियां हैं, तुम्हें ऐसे करना है उसको कौन, मैं कहा मैं मेरी लड़कियां क्या, जिसके कुछ नहीं होता, क्या वो करते नहीं है, मैं अपने घर क्यों गई और इसको लेकर क्यों गई, क्योंकि ये काम करता है, इसी को लेकर क्यों गई। उठा मेरे पापा मेरे को जबरदस्ती दुकान पे भेजने लगे, मैंने कहा पापा मैं जीने से गिर गया था, मेरे पैर में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगा और बारिश हो रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा दुकान पे काम। तो पापा ने बस कुछ कहा नहीं, गाली दे के मेरे को मारने लगे, पीटने लगे बहुत जोर, मम्मी आई मम्मी को पीटने लगे, दीदी वक्त सिर्फ 15 से 20 मिनट में मेरे को लात लूत मार के, पूरी लात ला देते थे मेरे को, जीने में लात मार के नीचे छोड़ आए। मेरे चाचू, मेरी दादी और मैं, मेरा चाचू मेरे को दादी को पकड़ के दुकान पे ले गया, हमें दुकान पे छोड़ के 5 मिनट के अंदर मेरा चाचू, जब हम यहाँ पे थे मेरी दादी ने मुझे धमकी दी, सारे तेरे को तो हम आन दे, तेरे को तो जान से मार देंगे तुम सबको, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, मेरी दादी ने मेरी बहन को भी कही थी कि तुम्हें जान से मार देंगे। जी मैं अपने नाना नानी के, मतलब नाना नानी के घर से अपने मम्मी और भाई के साथ गई थी अपने पापा लोगों के घर पे, और वहाँ जाने के बाद रात में तो कुछ नहीं किया उन लोगों ने, बस हमने देखा हमारे हॉल में एक कैमरा लगा हुआ था, उन्होंने वो कैमरा तोड़ा हुआ था वहाँ से। सुबह मैं हॉल में सोई थी, हॉल में एक बिस्तर है उस पर मम्मी और मैं सोए थे, बोल रहे थे कि तुझे डेयरी पे जाना है, और जिसको मेरा भाई छोटा कहते कि तेरे को डेयरी पे जाना है, वो कहता है नहीं पापा मैं अभी नहीं जा रहा, आप मुझे थोड़ी देर में आ जाऊँगा, मैं दिन में आ जाऊँगा, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। पापा ने मारना स्टार्ट कर दिया एकदम से, बहुत बुरी तरीके से उसको, मम्मी भाग करके गई, कहती हैं कि मत मारो मत मारो मत मारो, मम्मी बचा रही थी, मम्मी को मारने लग गए। मैं उठ करके गई उसी टाइम एकदम से, मैंने कहा पापा मत मारो, छोटा भाई है, कहीं कहीं कुछ भी लग जाएगा, दिक्कत हमें झेलनी पड़ेगी, ये वो मैंने बोला, बहुत रोकने की कोशिश की। इतनी देर में ना नीचे से चाचू दादी और मेरे बाबा जी वगैरह और चाची लोग आ गए ऊपर, दादी ने मेरा गला पकड़ा और पापा तब मम्मी को मार रहे थे, गला पकड़ा यहाँ से दादी ने मेरा, और बाबा ने ना ऐसे मारना स्टार्ट कर दिया मुंह पे बहुत बुरी तरीके से, और मेरे चाचा ने मेरे इस साइड पे मुक्के ही मुक्के मारने स्टार्ट कर दिए।
मैं उनको रोकने की कोशिश कर रही थी कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मत मारो, हाथ जोड़ रही थी, मैंने कहा रुक जाओ मत मारो मत मारो, कुछ नहीं सुन रहे थे बिल्कुल भी। पापा आए, पापा ने भी डंडे मारने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद एक डंडा उन्होंने मेरे सीधा यहाँ गर्दन पे मारा, इधर निशान होगा, और उसके वजह से मेरी जुबान चलनी बिल्कुल बंद हो गई, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा, और वो मुझे बस चीज़ें सुनाई दे रही थी और मार लग रही थी बस। मैं बोल रहे थे, वो लोग कहते हैं आज तेरा ही किस्सा ख़त्म करेंगे, तेरे ही ऊपर कूदती है ना तेरी माँ, तू बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करने के लिए आई है ना, तेरे ही आज किस्सा ख़त्म करेंगे। थोड़ी देर बाद बस पता नहीं कैसे मैं नीचे गिरी और सब ब्लैंक हो गया। थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो मैं थोड़ी इस तरफ के करवट पे थी, मेरे से सीधा नहीं हुआ जा रहा था, वो लोग आंखें बंद थी उस टाइम पे, लात मार रहे थे मेरे को नीचे गिरने के बाद भी। हाँ, लात मार रहे थे के अंदर। नहीं नहीं जी, कमरे में मेरी आंख खुली, नीचे हमारा कमरा है चाची का, उसमें मेरी आंख खुली, मेरे चाचा मुझे लात मार के और चाची भी मुझे लात मार के कर रही थी जिंदा है कि मर गई, और अगर जिंदा है तो भाई इसे आज ही मार दो। मैंने तो पहले भी कितनी बार कहा है कि इसे तो उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन इसको वो दे रहे थे, मेरे को पहले भी जहर मतलब ऑल आउट पिलाने की कोशिश की थी मेरे दादा ने। मैं बस इतना करती थी, मेरी बहन थी छोटी, ये लोग बोलते नहीं थे, मेरी तीसरे नंबर की बहन को घर की सिचुएशन की वजह से सीजर्स आने लगे थे, मुंह टेढ़ा हो जाता है जी उसका। कितने भाई बहन हो आपके? मेरे से छोटी दो बहनें हैं, एक भाई है। सबसे बड़े आप हो परिवार? हाँ जी। बस मुझे बताइए आपको चोट कहाँ कहाँ लगी है? मेरे से बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। चलिए कोई बात नहीं, ये डॉक्टर्स ने बताया, मैं बड़ी मुश्किल से पानी मांग रही थी जब वहाँ पे, तो मुझे पानी नहीं दिया, बस मारने की कोशिश कर तो रहे थे। आप पुलिस वालों से क्या गुहार लगाना चाह रहे हो? जी पुलिस वालों का तो नाम भी मत लीजिए। मैं वहाँ पे बोलती रही, मैंने बोला उनको, मैंने कहा कि मतलब सर वो मेरी सुन ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। वो आए, आने के बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरी सुन लो, मुझे बस बोलते जा रहे थे, कह रहे थे कि लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, तुम अपना कर लो, तुम्हारी दो बहनें हैं, कहाँ जाओगे तुम, किसके भरोसे रहोगे? आज आपके यहाँ मीडिया उससे बात कर रही है, मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हो? जी मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, जो इंसान मेरे दादा बैनर लगाए फिरते हैं बीजेपी की पार्टी से हैं, और कहते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ लड़की का सम्मान करो, उनके खुद के घर में सम्मान नहीं है लड़कियों।